हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन चैनल लर्न विजन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर आपको ये वीडियो फास्ट लग रहा है तो आप इसके प्लेबैक स्पीड को स्लो करके देखें। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो का सेकंड पार्ट है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, जनरल टर्म क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए आप, हम लोग पहले टर्म के लिए ए यूज़ करते हैं, दूसरे टर्म के लिए ए प्लस डी, उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ दिए तो हम लोग का दूसरा टर्म निकल गया, और तीसरा टर्म निकालने के लिए हम लोग ए प्लस 2d यूज़ करते हैं, चौथा टर्म के लिए हम लोग a प्लस 4d यूज़ करते हैं। अब एनिक टर्म के लिए डॉट 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 एनिक टर्म के लिए हम लोग क्या लिखें? तो फर्स्ट यहाँ पे आप देखिए, जो हम लोग फर्स्ट टर्म है तो उसके लिए हम लोग क्या लिखें? a लिखें। सेकेंड टर्म उसके लिए हम लोग क्या लिखें? a प्लस डी, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड किए। और तीसरे टर्म के लिए हम लोग, थर्ड टर्म के लिए हम लोग क्या किए? a प्लस 2d। चलिए फोर्थ टर्म भी लिख ही लेते हैं, फोर्थ टर्म के लिए हम लोग a प्लस 3d यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इधर पे आप क्या ऑब्जर्व कीजिएगा कि जितना भी टर्म है हम लोग का उससे एक कम कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो एनिक टर्म के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? ए सब में कॉमन है तो यहाँ पे हम लोग ए लिखेंगे प्लस। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं? जितना ए उससे एक कम। ठीक है, 4 - 1d फोर्थ टर्म के लिए। ठीक है, दूसरे एनिक टर्म के लिए n - 1d। ठीक है, ये हो गया हमारा एनिक टर्म, ये फॉर्मूला निकल गया। इस फॉर्मूला को हम लोग लिखते हैं an लिखते हैं, an इज इक्वल टू ए प्लस n - 1d। ठीक है, बहुत आसान, कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत ईजी है, समझ में आ जाना चाहिए एकदम। मैथ में कुछ रटना नहीं पड़ता, हर चीज़ का डेरिवेशन रहता है, हर चीज़ को आप समझिए और एकदम समझ में। अभी मैं कुछ सवाल करूँगा जिससे आपका एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला निकल गया एन, कोई भी एनिक टर्म निकालने के लिए, कोई भी जनरल टर्म निकालने के लिए एपी का, उसका ये फॉर्मूला है। ठीक है, याद करने का जरूरी नहीं है, मैंने जिस तरह से बताया कि जितना भी टर्म है उससे एक माइनस डी होता है। देखिए यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2d, यहाँ पे एक और एक देता हूँ। अब n - 1 ये टर्म क्या होगा? तो मैंने क्या बताया था, जितना भी टर्म है, ठीक है, ए सब में कॉमन है, जितना भी टर्म है यानी n - 1, ये तो ये हो गया, इसमें -1 करें हम लोग। ठीक है, और डी कॉमन डिफरेंस, मतलब जितना भी टर्म है उसमें -1 करके हम लोग निकाल लेंगे, तो ये हो गया ए प्लस n - 2/d। ये हो गया आपका n - 1 टर्म। ठीक है, ये वाला टर्म हो गया। अब देखिए ए प्लस 1 टर्म हम लोग निकालेंगे, n प्लस 1 टर्म निकालेंगे। अब इसको कैसे लिखेंगे आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अच्छा, मैं बताता हूँ, n प्लस 1 टर्म के लिए ए सब में कॉमन है, उसमें ऐड किए हम लोग n प्लस 1, और बताया था जैसे कॉमन डिफरेंस मतलब जितना है उसे एक माइनस कर देना, तो -1d, तो a प्लस एन डी। ठीक है, तो ये हो गया n प्लस 1 का। ठीक है, n प्लस 1 एक टर्म है। ठीक है, ये वाला टर्म है। अब यहाँ पे देख लीजिए आप लोग कि यहाँ पे a स्टैंड फॉर फर्स्ट टर्म। ठीक है, a स्टैंड फॉर फर्स्ट टर्म, n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म, एंड d स्टैंड फॉर कॉमन डिफरेंस, मतलब दो एपी के बीच में जितना डिस्टेंस को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ सवाल कर लेते हैं जिससे कॉन्फिडेंस जगे। ठीक है, कुछ सवाल करने से हम लोग का कॉन्फिडेंस जगेगा। तो यहाँ पे पहला सवाल है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी 2 7, इतना एवी है, इसका 10th टर्म निकालना है, मतलब ए 10 निकालना है। ठीक है, ए 10 हम लोग को निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे ए दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू क्या है? 2 है। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, ए 2 माइनस ए 1। मैंने सर पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसे जाके पहले वाले वीडियो को देख लिया, और मैं पहले वाले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग करते हैं ए 2 माइनस ए 1 इज इक्वल टू 7 - 2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है? 5 आया। अब क्या निकालना है हम लोग को? ए 10 निकालना है। ठीक है, तो ए क्या है हम लोग को जानते हैं, ए 10 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, अभी जो मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया है तो उसे यहाँ पे है। ठीक है, तो ए का वैल्यू 2 है प्लस 10 - 1, 10 टर्म दिया है ना, तो ये एन का वैल्यू इधर पे पुट करना है। ठीक है, अब उसके बाद डी, तो डी कितना, डी का वैल्यू क्या है? 5 है। ठीक है, तो 5 मैंने लिख दिया, तो ए 10 इज इक्वल टू क्या हुआ? 9 × 5, 2 + 9 × 5 इज इक्वल टू कितना हुआ? 9 × 5 = 45 + 2 = 47, तो इसका आंसर हो गया 40। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड वाला सवाल देख लेते हैं। ठीक है, विच टर्म ऑफ ए पी इज 7 8 13 इज 78। अब देखिए यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे आपको एन दिया हुआ है, मतलब कि ये जो इधर पे निकाले ये दिया हुआ है, आपको वैल्यू ऑफ एन फाइंड करना है, मतलब इसमें कितना टर्म है। तो इसके लिए हम लोग नॉर्मली पहले देख लेते क्या क्या दिया हुआ है। पहले हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग को प्रोवाइड किया गया, क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला है हम लोग का इन्फॉर्मेशन, ए इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, डी इज इक्वल टू ए 2 माइनस ए 1 इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं ए 2 माइनस कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए ए 2 माइनस ए 1 होता है, तो 8 - 3 इज इक्वल टू 5, इधर भी कॉमन डिफरेंस 5 है, तो हम फाइंड कर लेते हैं, एन लगा लेते हैं, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1। ठीक है, एन माइनस 1 डी। ठीक है, इधर पे हम लोग डी लिख दिए। ठीक है, अब तो एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है इधर पे, एन इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, एन इज इक्वल टू देखिए 78 दिया हुआ है, 78। ठीक है, 78 दिया हुआ है, तो 78 इज इक्वल टू 3 ए का वैल्यू प्लस एन माइनस 1 डी का वैल्यू दिया हुआ है 5। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इधर पे ये चले जाएगा इधर पे माइनस, तो 75 इज इक्वल टू एन माइनस 1 ब्रैकेट में 5, तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू 75 बाई 5। ठीक है, तो ये
n इज इक्वल टू कितना बार में कट गया 15 बार में, तो n इज इक्वल टू 16। अब n मतलब कितना बार टर्म है, 16 टर्म है, ठीक है। 16वां टर्म इस ए पी का 78 है, तो ठीक है। अब यहाँ तक कॉन्फिडेंस हो सके तो आप मतलब हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस जग गया हो, नहीं जगह तो मैं इसके ऊपर और भी प्रॉब्लम्स कराऊंगा, ठीक है। तब आपका डेफिनेटली कॉन्फिडेंस जग जाएगा, ठीक है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए।